नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आज सारे सब्जेक्ट का किस जिले में कितना सीट है वो सारा डाटा आज शिक्षा विभाग की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। तो जिसमें कि आज हम सबसे पहले हम कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे। कंप्यूटर साइंस में अगर हम बात करें तो जितना कि बताया गया था 8,395 सीटें हैं, बिल्कुल उतनी ही सीटें हैं। तो आइए देखते हैं कि किस जिले में कितने सीटें हैं, और आप अपने जिले में आप अपना जिला देखिए और कमेंट में बताइए कि आप किस जिले से हैं, ताकि सबको पता चले कि आखिर किनके जिले में किस तरह की सीटें आ रही हैं और क्या कैसे कंपटीशन रहने वाला है। और आप ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका पहला जो जिला आप चूज करोगे वो आपका कौन सा होगा, ताकि उससे एक आइडिया मिले। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, हमने इधर जो सीट का आंकड़ा है उसको हमने शॉर्ट कर रखा है, यानी कि हमने इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा रखा है। तो सबसे कम सीटें जो हैं, जो कि शिवहर, जो कि आपको पता होगा कि ये बिहार का सबसे छोटा जिला है, तो शिवहर में 56 सीटें हैं। और उसके बाद शेखपुरा, ये शेखपुरा भी है जो कि बिहार का छोटा जिला है, तो उस हिसाब से यहाँ पे 56 और 57 सीटें हैं। अरवल में देखो तो यहाँ पे 64 सीटें हैं, जहानाबाद में 84 सीटें हैं, लखीसराय में 103 सीटें हैं, मुंगेर में 120 सीटें हैं, खगड़िया में 131 है, किशनगंज में 133 है, बक्सर में 145, भभुआ 149, बांका 152, सहरसा 154, जमुई 163, मधेपुरा 165। हम आगे अगर हम बात करें तो सुपौल 178, नवादा 190, बेगूसराय 204, औरंगाबाद 218, भोजपुर 218, औरंगाबाद और भोजपुर का सेम आंकड़ा है, अररिया 226, सीतामढ़ी 226, गोपालगंज 246। अब आगे बढ़ोगे, कटिहार 246, भागलपुर 249, पूर्णिया 255, रोहतास 256, नालंदा 265, सिवान 291। आगे अगर हम बात करें, वैशाली जिला 308, गया 313, दरभंगा 314, ईस्ट चंपारण 325, पटना जिला जो कि सबका एक फेवरेट जिला है 333 सीटें हैं 333, सारण 344, समस्तीपुर 361। आगे बात करें मुजफ्फरपुर 370 और मधुबनी 377, और वेस्ट चंपारण में 400 प्लस सीटें हैं, यानी कि 406 सीटें हैं वेस्ट चंपारण में। ये सारी कंप्यूटर साइंस की सीटें हैं, जो कि जैसा कि हमने अखबारों में देखा था कि 8,395 सीटें थे, तो अगर इनको आप कैलकुलेट करोगे तो ये ठीक इतना ही आंकड़ा बन के आता है। तो कुल मिला के बात अब ये है कि कंप्यूटर साइंस में 8,395 सीटें आ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी खासी सीटें हैं। जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर साइंस में जितने 17,000 का जो ये क्वालिफाइड की जो भीड़ है, इसमें मुझे जहां तक लगता है 10 से 12,000 कैंडिडेट ही हैं जो कि एग्जाम देने वाले हैं, और उतने ही कैंडिडेट हैं जो कि इस एग्जाम के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पे कंपटीशन कम होने वाला है। अब बस देखना ये है कि बस जो भी ये बीपीएससी एग्जाम लेती है वो अच्छे से एग्जाम हो, अच्छे से फिर सारा कुछ उसका प्रोसेस हो, ताकि जल्दी से रिजल्ट आए और फिर से ये बहालियाँ शुरू हो जाएं और सबकी ज्वाइनिंग पक्की हो जाए। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर 12-13 हज़ार अगर लोग ही अगर कंप्यूटर में बैठते हैं, पहले से जो 500-600 लोग बैठे हुए हैं, तो ये बहुत ही कंपटीशन इसमें कहो तो नाम मात्र का है। तो बस ये ध्यान रखना होगा कि 8,395 सीटें हैं, सरकार इसको इसमें लाए, ये ना कि इसको चरण बाय चरण में इस चीज़ को तोड़ दे सीटों को, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि अगर आप सीटों का आंकड़ा देखो तो बहुत ही अच्छा खासा सीट है आप लोगों की, यूँ कह लीजिए जो अगर आप सही से तैयारी करते हैं 2 महीने, तो बहुत ही आप लोग बिहार में आपको ये +2 की जॉब होना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये निश्चित रूप से सबके लिए, सब जितने भी कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। तो आपको अपना जिला पता चल गया होगा कि किस जिले में कितना सीट है। तो अब आप लोगों को चाहिए कि आप लोग जीएस थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दे, साथ साथ कंप्यूटर भी पढ़ना स्टार्ट कर दे। मैंने आपको पिछले के वीडियो में बता रखा है कि किस तरह से जीएस को पढ़ना है, किस कहाँ कैसे कंप्यूटर को पढ़ना है। वैसे अगर आप इस चैनल पर बने हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको इस चैनल पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से क्या आगे पढ़ना है, कैसे तैयारियाँ होनी चाहिए, और हम आपको कंटेंट भी ला के देंगे, और कंटेंट वही होगा जो एग्जाम में नॉर्मली आता है। बीपीएससी जिस तरह से जीएस पूछती है, कंप्यूटर का जिस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, वो सारा हम इस चैनल पे आपको टाइम पे लाते रहेंगे। बस अब वेट है जो कब नोटिफिकेशन आता है उसका, किस तरह का क्या उसमें सिलेबस होता है, आखिर कितना क्या वेटेज दिया जाता है। बट आप अगर आप थोड़ी समझदार हो तो आप समझ सकते हो कि वेटेज 60-40 या 50-50, यही दो में से एक रहना है। तो वैसे देखते हैं क्या कैसे रहता है। तो आप लोगों को ये सीट आने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत बड़ी राहत मिली होगी कि ये पेपर में जो 8,395 का आंकड़ा है वो सही भी है या नहीं। लेकिन ये बिल्कुल सही आंकड़ा है, तो आपने देख लिया होगा कि
किस तरह की सीटें किस जिले में आ रही है। तो निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग किस जिले से हैं और आपका प्रेफर कौन सा, अगर आपको टॉप 3 जिले सेलेक्ट करने को कहा जाए तो आपका कौन सा वो 3 जिला होगा जिसे आप सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे कि कमेंट सेक्शन में सबको पता चले जो कि इनका क्या फेवरेट जिला है। तो पटना जो है वो तो निश्चित रूप से सबका एक फेवरेट जिला होता है, बट बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अपने जिले में ही कम्फर्ट सोचते हैं, जो हमें अपने जिले में ही मिल जाए। तो निश्चित रूप से अगर आप देखे तो अच्छा खासा यहाँ पे सीट का आंकड़ा है। बस अगर आप शुरू के 4 जिलों को देखो तो उसमें ही 100 से कम सीटें हैं, बाकी जितने भी 33 जिले हैं उसमें 100 से प्लस सीटें हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी राहत भरी खबर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मैं आने वाले दिनों में कंप्यूटर से रिलेटेड और जो भी जीएस से रिलेटेड होगी उसका कंटेंट हम इस चैनल पर आपके लिए टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।